हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सब बढ़िया होंगे। और आज हम आए हुए हैं मारुति के शोरूम नेक्सा में, जो कि रोहन मोटर्स है। यहाँ पर आज हम करने आए हैं रिव्यू मारुति सुजुकी बलिनो डेल्टा मॉडल का। इससे पहले आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी बलिनो सिग्मा की, जिसमें हमने बेस टू टॉप उसे मॉडल बनाने की कोशिश करी थी। तो आज हम आपके लाए हैं मारुति सुजुकी बलिनो डेल्टा मॉडल। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग मिलती है, नीचे इसमें फॉग लैम्प्स नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी क्रोम गार्निशिंग मिलती है, जो कि आप बाहर से फॉग लैम्प्स आप बाहर से लगवा सकते हैं। कुछ इस टाइप का लुक है फ्रंट से इस गाड़ी का, जो चेंज हो गया है। जो नया लुक आया है वो ये है। चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। यहाँ पर आपको इसमें अलॉय व्हील देखने को मिल रहे हैं इस समय, स्टील रिम्स नहीं है ये। और जो मैंने आपको शायद बताया था ना कि ये डेल्टा मॉडल है, लेकिन सॉरी गाइस, ये डेल्टा मॉडल नहीं है। अभी मैं आपको इसका मॉडल और कंफर्म करके बता दूंगा कौन सा मॉडल है, ये वेरिएंट कौन सा है। यहाँ पर आपको टर्निंग इंडिकेटर मिलते हैं ORVMs पर, टेंटेड ग्लास मिलते हैं यहाँ पर आपको इसके। पीछे से हम दिखाते हैं आपको इसका लुक, बड़ा ही अमेजिंग लुक के साथ ये कार है। पर्सनली मुझे बड़ी प्यारी लगती है बलिनो कार, शुरू से ही मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा था कि बलिनो कार बहुत अच्छी है कॉल इसके लुक्स एंड शेप की वजह से। पीछे से आपको इसके रियर डीफॉगर मिलते हैं, इसमें रियर वाइपर भी मिल जाता है, सुजुकी का लोगो आप यहाँ देख सकते हैं। देख सकते हैं आपको इसका लुक कैसा आ रहा है साइड प्रोफाइल से। लुक क्रोम के हैंडल्स मिलते हैं, पार्किंग सेंस एंड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ मिल जाता है इस पर। चलते हैं इस कार के अंदर, इंटीरियर लुक दिखाते हैं आपको कैसा है इसका। इस कार का इंटीरियर का लुक देख सकते हैं आप यहाँ पर। डोर पर आपको ऑल फोर पावर विंडोज मिलते हैं, और यहाँ पर आपको इसमें विंडो लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। ORVM आपको यहाँ से एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। नीचे आपको यहाँ बॉटल होल्डर मिल जाता है। और अभी इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है। यहाँ से आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हैं। इंटीरियर में चलते हैं तो बात करते हैं इसके इंटीरियर की। कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है। पुश स्टार्ट बटन आपको इसका, यहाँ पर आप इसके हेडलैम्प्स कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कॉल उठा सकते हैं और काट सकते हैं। कुछ इस टाइप का आपको इसका लुक मिलता है। देख सकते हैं इसका मीटर का लुक कैसा दिख रहा है आपको। यहाँ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये कार आती है। गुड आफ्टरनून। और यहाँ पर आपने इसकी वॉइस भी सुन चुके हैं। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। 12 वोल्ट का चार्जर एंड USB पोर्ट, 2 कप्स होल्डर्स मिलते हैं। मैनुअल कार के साथ, मैनुअल ऑप्शन के साथ आती है गाड़ी, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक बोथ। यहाँ पर आपको इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है। रियर आर्म रेस्ट आपको यहाँ मिल रहा है इसका, रियर नहीं सॉरी हैंड आर्म रेस्ट इसे बोलते हैं हम। यहाँ पर आपको इसका ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। और चला इसको पहले बंद कर देते हैं, इसकी आवाज़ जो आ रही है ये। तो गाइस, कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर देख सकते हैं। ये आपको मैनुअली करना पड़ता है। अंदर से इस टाइप का लुक है इस कार का। चलते हैं इसके रियर में और दिखाते हैं आपको स्पेस, पीछे बैठने वालों के लिए कैसा स्पेस है इस कार में। मैंने सीट इस पूरी पीछे कर रखी है, और मेरी हाइट जो है वो 5.9 इंच है,
अभी कार एक तो अंदर से आपको इसका लुक। तो गाइस पीछे से इसका लुक ऐसा है, देख सकते हैं मैंने अपनी सीट पूरी पीछे कर रखी है हिसाब से, और मेरे लिए स्पेस तो लगभग ख़त्म है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं है, मैं बैठ सकता हूँ अगर बैठना चाहूँ तो। हाँ मैं आराम से इसमें बैठ कर ट्रैवल कर सकता हूँ लॉन्ग। यहाँ पर आपको इसका एसी इवेंट्स मिल जाता है, दो चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, और लेग स्पेस भी काफ़ी इसका गाड़ी का अच्छा है, एंड हेडरूम भी काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से गाड़ी ठीक है, अगर आप मेरे जैसे मतलब 5'9" का कोई बस में बंदा बैठता है तो उसके लिए गाड़ी परफेक्ट है, कोई पीछे दिक्कत नहीं आने वाली है। एडजस्टेबल इसमें आपको हेडरेस्ट मिलते हैं इसके। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, चलते हैं इसके बूट स्पेस में। इसके बूट स्पेस की बात करते हैं हम, आगे से इसे खोलते हैं एक बार बूट स्पेस। यहाँ से अभी पता नहीं इसका अनलॉक हुआ नहीं है। ये है इस कार का बूट स्पेस, यहाँ पर आपको रियर पार्शल ट्रे मिल जाती है, और बूट स्पेस काफी डीप दे रखा है, अच्छा खासा लगेज जिसमें आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें हेलोजन लैंप भी मिल जाता है। जो ये है इस कार का बूट स्पेस, यहाँ पर आपको रियर पार्शल ट्रे मिल जाती है, और बूट स्पेस काफी डीप दे रखा है, अच्छा खासा लगेज जिसमें आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें हेलोजन लैंप भी मिल जाता है, जो नाइट्स में आपके अगर आप नाइट ड्राइव करते हैं तो आप उसमें लगेज निकालना चाहे तो उसमें आपको हेल्प हो जाती है। सो गाइस देख सकते हैं आप ये कार का लुक कैसे आ रहा है, दिखाते हैं आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट। ये है इस कार का इंजन कंपार्टमेंट, देख सकते हैं आप नीट एंड क्लीन फिनिशिंग के साथ। एंड वो ही बोलना चाहूँगा हर वीडियो की तरह, माइलेज किंग है ये गाड़ी, देख सकते हैं। बस मारुति वो ही मैं कहना चाहूँगा बार बार कि मारुति जानी जाती है अपने इंजन रिफाइनमेंट के कारण एंड माइलेज के कारण। तो ये है इस कार का इंजन, ऊपर आपको इसका इंजन कवर मिल जाता है। Now